गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। तो पापा अभी जा रहे हैं मिल्क भरने के लिए। तो देखिए पापा निकल चुके हैं। ये देखो यहाँ पर बिल्ली कैसे सो रही है, आराम फरमा रही है। हेलो, अरे 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 कहाँ जा रही हो? यहाँ पर आज तो एक और बाइक भी है। देखो पापा तो निकल गए, फिर भी दो बाइक है। ये चाचा की है, वो बेल लेकर गए हैं, उनके खेत में चलाने होंगे इसलिए। चलो अभी नाश्ता पानी कर लेते हैं, नाश्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो सब भी नाश्ता पानी में लगे हुए थे, इसलिए आज मेरी बारी आ गई इसे अल्टा पलटी करने की। तो इसमें दो है, कैरेट और आचार। कैरेट और आचार कैरेट और आम दोनों का अचार है। तो इसे दिन में एक बार दो बार हिलाना पड़ता है, इसे उल्टा पलटी करना पड़ता है। ये आम तो हम भाटिया से ले आए थे बहुत टाइम पहले। स्मेल बहुत मस्त आ रही है गैस, स्मेल तो आ रहे नहीं से तो बोल सकते हैं कि आचार कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी बाकी है। क्यों चम्मच भर के दिखाओ? ये देखो ये इतना आपके लिए, ये लीजिए। ये पहली बार गाइस मैंने उल्टा पलटी किए है, इतना आता नहीं है हमारे को। देखो अब तो हो गए होंगे, अभी इसे वापस पैक करना पड़ेगा। ऐसे करके हो गया रेडी, इसे रख देते हैं। चलो खुफिया जगह पर। आज तो खास ऐसा कुछ काम अभी रहा नहीं है, खेत का काम सारा कंप्लीट हो गया। पापा भी आ गए वापस। देखिए नहीं पापा मिल भर के आ गया, मिल भर के या पानी भर के? मिल तो मिल थे दूध। हाँ मिल भर के आ गया। वह हम क्या करें, बारिश नहीं आएगी तो हमने मजीरा होगा। अब बारिश का वेट करना है, सिर्फ बारिश आएगी तब काम स्टार्ट होगा। तो तीसरी फसल ली होगी, उनको काम तो कंप्लीट करने देना होगा। अब क्या कहता है कि इधर मनाज गए पड़े? अभी हम तो फ्री हो गए, लेकिन जिन्होंने तीसरी फसल ली होगी उनको तो बहुत सारा काम हो गया, तो वो कंप्लीट कर लेंगे तभी आएगी ना बारिश, ऐसे तो थोड़ी ना होगा। तो अभी मम्मी और राधिका यहाँ रूम साफ करने लग गए। देखो यहाँ से सारे वासन निकाल दिए है, ये स्टैंड है इसमें से भी निकाल दिए सारे, तो साफ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा ढेर लगा दिया है, इतने सारे वासन साफ करेंगे मम्मी और दादी का, बहुत मुशक्कत वाला काम है ये। तो पशु अपने जुगाली कर रहे हैं या बैठे हैं शांति से। बेल तो गया है चाचा के यहाँ, दो बफेलो और कटड़ी बैठे हैं तीनों। यहाँ पर भी सारा सामान निकाल करके रख दिया। देखिए अभी तो फूल गंदा हो गया है घर। यहाँ पर चेयर भी रख दी है, चेयर भी पूरी गंदी हो रखी है। देखो कितनी धूल जम गई, क्योंकि इतनी यूज में ही नहीं आती है, ये दो तीन यूज में आती है, वो कंप्लीट साफ है। ये तो देख रहे हो, ये देखो कितना मैसी हो गया। चलो साफ कर लेते हैं पापा हम दोनों इसे। साफ करने लग जाते हैं, दूसरी चेयर यहाँ पर लगा दी है।
देखिए आज मेरा बेटा विद्या सारू थे कुर्सी साफ कर रहा है। कुछ टॉपिक नहीं था वीडियो के लिए, इसलिए आपसे क्या छुपाना बता ही दिया। देखो जैसा था वैसा। अच्छी तरह से साफ करना। पक्का पक्का। तो चेयर सारी धो के डाल दी यहाँ पर, देखिए जैसी होगी उतनी साफ कर दी। चार ये है, दो ये और ये तीन, तो सात चेयर है। देखो एक अभी कहीं पर नहीं, नहीं टूट गई है, इस तरीके की थी ना वो टूट गई, वरना आठ थी। तो सारी धो दी, बहुत टाइम लग गया। यहाँ पर देखो पानी पानी कर दिया पूरे में, वहाँ तक पानी चला गया, यहाँ से वहाँ तक। अब तो बेल भी आ गया, देखिए आके सीधा खाना खाने लग गया। ये वासन का काम तो दोपहर तक चलता रहेगा। अभी तो निकाल रहे हैं, फिर रूम वगैरह साफ करेंगे, उसके बाद ये वासन सारे साफ होंगे। यहाँ पर लगा दिया अभी चेयर, देंगे सारे सूखने के लिए। वहां पर लगा है गद्दा, गादला जो भी बोले, वहां कपड़े सारे रखे हुए है, सब कुछ बिखरा बिखरा ही है। देखो यहाँ पर दो चारपाई में लगे हैं सारे वासन, अभी और भी है मम्मी लगे हुए ये कब के। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी जॉब पर जाने वाला हूँ, इसलिए दोपहर के बाद तो आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिल रहे कल अगले वीडियो में। बाय बाय।